नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्णवाल। बिहार समेत देश के अन्य राज्यों में कोविड के केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में बात बिहार की करें तो बिहार में बिहार सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। लगातार इसको लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है। आज भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की है कोरोना को लेकर, जिसमें संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें खासतौर पर यह बताया गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है, जिस वजह से बिहार में लगातार कोविड के केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि ये भी कहा गया है कि सावधानियां जरूरी है, सावधानियां अगर हम बरतेंगे तो कोविड से निपटा जा सकता है। लेकिन आज की जो बैठक हुई है, इसमें मुख्यमंत्री के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए हैं वो हम आपको बताते हैं। इसको लेकर एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है। प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार द्वारा कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अपनी तरफ से कोरोना वैक्सीन खरीद कर लोगों का टीकाकरण जारी रखेगी। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लोग मास्क का प्रयोग करें, सभी को अलर्ट और एक्टिव रहना होगा। कोरोना के बढ़ते मामले को ध्यान में रखते हुए पूरे राज्य में और अधिक टेस्टिंग कराएं। अस्पतालों में मरीजों के इलाज की पूरी व्यवस्था रखें। अस्पतालों में सभी प्रकार की दवाएं एवं उपकरण उपलब्ध रखें। ऑक्सीजन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करें। राज्य के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराएं एवं सभी प्रकार की तैयारियां रखें। यानी कि इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार की तरफ से क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है, इस वजह से बिहार सरकार इसको लेकर पहल करेगा और बिहार सरकार अपनी तरफ से वैक्सीन उपलब्ध कराएगा और लोगों का टीकाकरण जारी रखेगा। वहीं टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग को लेकर बीते दिनों भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा था कि अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार में सबसे ज्यादा कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं। जब से कोरोना के केसेस देश में आए हैं, साल 2020 से ही लगातार बिहार इसको लेकर अलर्ट मोड पर है। पूरे देश के एक चौथाई भाग जो है वो टेस्ट यहाँ पर कराए जा रहे हैं। ऐसे में इसको लेकर ये भी कहा गया है कि लोग गाइडलाइंस का पालन करें, भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने की कोशिश करें, अगर जाते भी हैं तो मास्क का प्रयोग करें। वहीं अस्पतालों को लेकर खास तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। बिहार के कुछ जिलों में ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद वहाँ के प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। चाहे बात भागलपुर जिले की कर ले, गया जिले की कर ले, इन जिलों से कोविड के केसेस सामने आए हैं। ऐसे में वहाँ के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है, मास्क का जायजा लिया जा रहा है, ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया जा रहा है। वहीं अन्य भी तमाम तरह के गाइडलाइंस का अनुपालन कराया जाए, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह ने राज्य में कोरोना संक्रमण की अद्यतन स्थिति तथा विभाग द्वारा की गई तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से बिहार में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना की जितनी जाँच हो रही है उसकी 1/3 जाँच बिहार में हो रही है। देश में 10 लाख की आबादी पर कोरोना की औसत जाँच 8 लाख के करीब है, जबकि बिहार में 10 लाख की आबादी पर कोरोना की औसत जांच 8 लाख से ज्यादा हो रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि पूरे राज्य में अधिक से अधिक टेस्टिंग कराएं, जितनी अधिक जांच होगी कोरोना संक्रमण के मामलों का पता चलेगा, कोरोना की निरंतर जांच रखी जाए। अस्पतालों में मरीजों के इलाज की पूरी व्यवस्था रखें। अस्पतालों में सभी प्रकार की दवाएं और उपकरण उपलब्ध रखें। ऑक्सीजन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करें। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लोग मास्क का प्रयोग करें। सभी को अलर्ट और एक्टिव रहना होगा। राज्य के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराएं एवं सभी प्रकार की तैयारियां सुनिश्चित रखें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कोरोना की वैक्सीन नहीं उपलब्ध कराई जा रही है, जिस वजह से राज्य सरकार अब वैक्सीन उपलब्ध कराएगा और लोगों को अपने तरफ से टीकाकरण देगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।